हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, जो मेरा यूट्यूब का ऑफिस है उसमें जो एक थोड़ा काम चल रहा था, और क्या काम चल रहा था उसके ऊपर जल्दी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और घंटा दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ऑल का नोटिफिकेशन। और मैं आपको बता दोस्तों कि आज जो मैं अपने बेडरूम में वीडियो बना रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं मेरा बेडरूम है। और आज का ये वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, एक समस्या है जो कि यूट्यूबर को परेशान करती है, अगर आप जो अपने वीडियो को अपलोड करते हैं तो जो डॉलर का सिंबल रहता है वो अक्सर येलो हो जाता है, और येलो डॉलर पर आपको पता है कि यूट्यूब जो है बहुत ही कम ऐड दिखाता है या ऐड आता ही नहीं है। मतलब अगर आपके वीडियो पर येलो डॉलर आ गया है तो हो सकता है कि आपके वीडियो पर ऐड ना आए और आप उस वीडियो से कोई भी अर्निंग ना कर पाए। तो हम जो मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, वो मेहनत हमारी बेकार हो जाती है। मतलब जब तक उस वीडियो से हमको अर्निंग नहीं होगी तो यूट्यूब पर उस वीडियो का रहने का कोई मतलब नहीं है। खैर, वायरल अगर हो गई वीडियो तो सब्सक्राइबर तो आएंगे, लेकिन उससे कोई भी रेवेन्यू नहीं आएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए दोस्तों, जब हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब चेक करता है कि जो हमारे वीडियो है वो एडवर्टाइज फ्रेंडली है कि नहीं। तो यूट्यूब का ये जो है एल्गोरिथम काम करता है इस पर, मतलब जो उनके कंप्यूटर जो मशीन लगी हुई है इस पर वो काम करती हैं, और वो फाइनली देखती हैं अगर कुछ ऐसा कंटेंट रहता है हमारे वीडियो में तो वो जो है उस पर येलो डॉलर दे देती हैं। तो ऐसा जो है बहुत लोगों के साथ होता है, और जिनके भी वीडियो पर येलो डॉलर ज़्यादा आता है उनके चैनल पर जो है अर्निंग भी काफ़ी कम होती है। तो अर्निंग को ग्रो करने के लिए, अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए यूट्यूब ने एक फीचर दिया है कि अगर आप जो है अपने ब्राउज़र की मदद से वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप वहाँ पर अपने वीडियो को सेल्फ सर्टिफिकेशन दे सकते हैं अर्निंग के लिए। मतलब आप अपने वीडियो को सेल्फ जज कर सकते हैं कि आपके वीडियो में कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है कि आपके वीडियो पर YouTube येलो डॉलर दे। तो इसको जो है दोस्तों YouTube ने ऐड सुटेबिलिटी का नाम दिया है। अगर आप अपने वीडियो को ब्राउजर की हेल्प से अपलोड करते हैं तो अपलोडिंग के ही समय आप अपने वीडियो को सेल्फ सर्टिफिकेशन दे सकते हैं कि आपके वीडियो में कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है कि आपके वीडियो पर YouTube येलो डॉलर भेजे। तो YouTube की मशीन भी इसको समझ जाती है और येलो डॉलर आने से आपकी वीडियो बच जाती है। लेकिन हम गलतियां क्या करते हैं कि हम अपने वीडियो को ब्राउजर से नहीं, हम अपने वीडियो को ऐप से ही अपलोड करते हैं। जो YouTube का ऐप है उसी से अपलोड करते हैं, तो उसमें यह ऑप्शन मिलता नहीं है। तो YouTube का जो सेल्फ एल्गोरिथम है, मतलब वो जो चेक करता है, जो कंप्यूटर है वो मशीन जो चेक करती है, वो हमारे वीडियो को जज कर लेती है कि ये वीडियो जो है एडवर्टाइज फ्रेंडली नहीं है, तो वहाँ पर येलो डॉलर आ जाता है। तो ब्राउजर से जो है वीडियो को अपलोड कीजिए, वहाँ पर ज़्यादा फीचर मिलता है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो को सेल्फ सर्टिफिकेशन कैसे देंगे, मतलब ऐड सुटेबिलिटी की जो रेटिंग रहती है वो अपने वीडियो में कैसे देंगे वीडियो को अपलोड करते समय। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलता हूँ और वहाँ पर आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि आप अपनी वीडियो को जो है ऐड सुटेबिलिटी जो है कैसे बनाएंगे, और आपके वीडियो पर जो है अपलोड करते ही डॉलर जो है ग्रीन होगा और उससे जो है अर्निंग करने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी भी वीडियो एड फ्रेंडली, एडवर्टाइज फ्रेंडली है तो आप उसको कैसे रेटिंग देंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो एड सुटेबिलिटी में आपको जो कुछ ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। यदि आप अपने वीडियो में कोई ऐसी लैंग्वेज का यूज किए जिससे कि आपको लगता है कि आपकी वीडियो एडवर्टाइज फ्रेंडली नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो है चेक करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको किस तरह की जो है आपने अपनी वीडियो में वर्ड्स का यूज किया है या लैंग्वेज का यूज किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है एडल्ट कंटेंट का। यदि आपको लगता है दोस्तों कि सेक्सुअल बिहेवियर, लैंग्वेज और एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग बोथ रियल एंड कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल, तो अगर आप इस तरह का कुछ भी यूज करते हैं अपने वीडियो में तो आपको इसको जो ओपन कर यहाँ पर जो है रेटिंग सेट करना है कि किस टाइप का जो है आपने चीजों को यूज किया है। जैसे कि किसी मूवी में रोमांस या किसिंग का सीन आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस ऑप्शन को जो है मूवी वाले सिलेक्ट करके रखते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों, कुछ भी यहाँ पर जो है आप यूज करते हैं अपने वीडियो में एडल्ट कंटेंट, तो आप यहाँ पर जो है रेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वायलेशन। वायलेशन में दोस्तों आप देख सकते हैं सिचुएशन शोइंग हर्ट, डैमेज और इंजरी। अगर आप कुछ ऐसा मार गाड़ दिखा रहे हैं, आप किसी को हर्ट फील करा रहे हैं, या जो है कुछ ऐसी जो है एक्टिविटी कर रहे हैं अपने वीडियो में जिससे कि YouTube की पॉलिसी वायलेशन होता है, तो आप वहां पर इसको क्लिक करके जो है रेटिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहां पर आपको दोस्तों चीजें मिल जाएंगी कि आपको क्या क्या चीजें जो है आप अपनी वीडियो में शामिल किए हैं, उसी हिसाब से जो है यहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं। तो आप इसको जो है डिटेल्स में रीड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो रहती है जो कि एडवर्टाइज फ्रेंडली नहीं रहती है, और यूट्यूब का कंप्यूटराइज सिस्टम जो है उसको ग्रीन डॉलर दे देता है जिससे कि उस पर एड आने लगते हैं, लेकिन उससे जो है एडवर्टाइज करने वाली कंपनियों को बेनिफिट नहीं होता है। तो इसी वजह से ये यूट्यूब ने फीचर दिया है कि अगर आपको अपने हिसाब से रेटिंग देना है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग अगर फ्यूचर में, इन द फ्यूचर में चेक करेंगे तो अगर आपकी वीडियो जो है करेक्टली रहेगी तो आपका एडवर्टाइज ग्रीन ही रहेगा, येलो नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों शॉकिंग कंटेंट। आपकी वीडियो में कोई शॉकिंग कंटेंट है जैसे कि सिचुएशंस दैट मे अपसेट, डिस्गस्ट और शॉक व्यूअर्स, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक करके जो यहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी जो है तरह तरह की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती हैं,
तो हर वीडियो में जो है हर तरह के जो है मटेरियल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम लोग जो है टेक्नोलॉजी वीडियो अपलोड करते हैं तो ये सारी चीजें जो है हम लोग की वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम जो है कोई यहाँ पर इमोशनल या कोई हार्ट टचिंग या कुछ ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं मूवी का किसिंग सीन या रोमांस सीन, तो हमको जो यहाँ पर रेटिंग देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उसके बाद ऑप्शन मिलता है हार्मफुल और डेंजरस एक्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिचुएशन दैट में इंडेंगर पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं स्टंट ये सब जो है चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि आप जो है प्रैंक्स या कुछ इस तरह की जो चीजें करते हैं, फिजिकल हार्म या डिस्ट्रेस, तो इस तरह की चीजों को जो है आप यहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रिएशनल ड्रग्स कंटेंट, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो है चेक कर सकते हैं कि आपके वीडियो में कुछ इस तरह से अगर चीजें हैं तो आप यहाँ पर इसको रेटिंग दे सकते हैं। हेटफुल एंड डिरोगेटरी कंटेंट आप यहाँ पर क्लिक करके जो है चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फ्री आर्म्स रिलेटेड कंटेंट, जैसे कि शोइंग और डिस्कशन ऑफ रियल और फेक गन, कुछ इस तरह का जो अगर आप यूज करते हैं अपने वीडियो में तो आप यहाँ पर जो इसको रेटिंग दे सकते हैं। सेंसिटिव इवेंट्स, कोई भी सेंसिटिव इवेंट्स जैसे कि रिसेंट इवेंट्स डीलिंग विथ वार डेट और ट्रेजेडी, तो आप यहां पर क्लिक करके जो है यहां पर रेटिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे चीजें जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप कुछ भी ऐसा अपने वीडियो में करते हैं तो आपको रेटिंग देना जरूरी है, वरना अगर आप यहां पर जबरदस्ती जो है रेटिंग नहीं देते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पर ग्रीन डॉलर आए, और लेकिन अगर यूट्यूब टीम ने इसको चेक किया और वहां पर जो है उनको लगा कि आपकी वीडियो एडवर्टाइज फ्रेंडली नहीं है, तो आपका जो है YPP जो है रिजेक्ट हो सकता है, मतलब आपके वीडियो पर ऐड आने बंद हो सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से इसको रेटिंग देना है, इसीलिए ये ऑप्शन जो है YouTube ने जो है इंक्लूड किया है, ताकि जो है आप अपने स्वयं से जो है अगर वीडियो एडवर्टाइज फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से जो है आप अपना वीडियो बनाइए और उस हिसाब से जो है आप इसको रेटिंग दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि लास्ट ऑप्शन है कंट्रोवर्सियल इशू टॉपिक दैट मे बी अनसेटिंग्स फॉर अवर यूजर्स, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कुछ ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको इतने सारे जो ऑप्शन मिलते हैं एड सुटेबिलिटी के अंदर। अगर आपके वीडियो के अंदर कुछ भी ऐसा है जो कि इन ऑप्शन से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर इसको जो है क्लिक करके रेटिंग दे दीजिएगा, वरना जो है जब YouTube टीम चेक करेगी तो आपके मोनेटाइजेशन के लिए जो है दिक्कत आ सकती है। उसके बाद दोस्तों हमारे वीडियो तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो हमने तो कुछ ऐसा यूज नहीं किया है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे सबसे लास्ट में नन ऑफ द एवब, मतलब हमारे वीडियो में कुछ भी ऐसा जो है कंटेंट शामिल नहीं है या इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर हम नन ऑफ द एवब को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ यू रेटेड योर वीडियोज ओवरऑल सेव फॉर एड्स, तो मेरी वीडियो यहाँ पर सेव फॉर एड्स है, मतलब मेरे वीडियो पर जो है डॉलर जो रहेगा सिंबल वो ग्रीन रहेगा और मेरे वीडियो पर जो है एड शो किए जाएंगे। सबमिट रेटिंग का बटन यहाँ पर आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबल रेवेन्यू सोर्स एड्स, यूट्यूब पार्टनर प्रीमियम, और यहाँ पर अदर यूट्यूब रेवेन्यू लाइक मर्चेंडाइज, तो ये सब जो है ऑप्शन इनेबल रहेंगे। और इन सभी ऑप्शन से भी हम यहाँ पर इस वीडियो से अर्निंग कर सकते हैं, हमारी वीडियो एलिजिबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेट योर वीडियो केयरफुली, वंस यू सबमिट योर रेटिंग यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज योर रिस्पॉन्स, अगर आपने एक बार इसको सबमिट कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपके मोनेटाइजेशन के लिए रिस्की हो सकता है। अगर आप जबरदस्ती जो है ग्रीन डॉलर के लिए जो है यहाँ पर गलत रेटिंग देते हैं, यहाँ पर नन ऑफ एबव सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपके वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि इन सभी कैटेगरी से रिलेटेड है, तो आपका मोनेटाइजेशन ऑफ हो सकता है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से चेक करना होगा, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सबमिट रेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप जो है अपनी आगे की वीडियो की सेटिंग जो है यहाँ पर कर सकते हैं, जिस तरह से आप नॉर्मल वीडियो की सेटिंग कर सकते हैं। तो मुझे जो इस वीडियो में एड सुटेबिलिटी के बारे में जो है बताना था, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा इसको चेंज करने का। योर एड सुटेबिलिटी क्वेश्चन लॉक सिंस यू हैव सबमिटेड योर रेटिंग, और ये मेरा जो है लॉक कर दिया गया है इस वीडियो के लिए। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही अच्छा है फीचर मुझे लगा, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग जो भी वीडियो बनाए इन कैटेगरी से रिलेटेड ना बनाए, और आप अगर एडवर्टाइज फ्रेंडली वीडियो बनाएंगे तो आपकी जो है अर्निंग भी काफी अच्छी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे करना है और अपना जो है बाकी स्टेप कर जो है वीडियो को पब्लिक कर देना है। तो एड सुटेबिलिटी का अगर आप यूज करते हैं दोस्तों यूट्यूब की वीडियो अपलोड करते समय, तो आपकी वीडियो अपलोड होते ही वहां पर ग्रीन डॉलर आ जाएगा और आपकी अर्निंग जो है तुरंत उस वीडियो के व्यू से स्टार्ट हो जाएंगी। वरना जो है एड सुटेबिलिटी जो कंप्यूटर चेक करता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम चेक करता है, उसमें जो है समय लगता है, तो आप जो है करंट व्यू से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। इसी को जो है सही करने के लिए यूट्यूब ने जो है ब्राउजर में एड सुटेबिलिटी सेटिंग दे रखा है कि आप वीडियो को अपलोड करते समय अपने से खुद से जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन दीजिए अपने वीडियो को। और हाँ, सही सेल्फ सर्टिफिकेशन दीजिएगा, क्योंकि एक बार देने के बाद वो चेंज नहीं होता। ये नहीं कि आपने वीडियो में कुछ और डाला है और आप सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है कुछ और दे रहे हैं, तो अगर आपका बाद में अगर वीडियो चेक करता है यूट्यूब, अगर वहाँ पर कुछ मिस्टेक पाता है, तो इससे जो है आपकी वीडियो पर या आपके चैनल पर
ट्रिक्स हो सकता है। तो सेल्फ सूटेबिलिटी का जो है यूज अच्छे से कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो को बहुत ही आसानी से देख पाएँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।